ये जिन्होंने इस मंदिर का बिल्कुल नक्शा बदला है भाई, ये सब चीज़ें करने में बड़ा टाइम लगता है जो पीछे देख रहे हो बनी हुई है, इन सब में दो दो दिन तो लग ही जाते होंगे क्या? और हे गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अब तुम्हारा भाई भाई डेली टहलने जा रहा है आजकल। अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मैं टहल के वापस आ चुका हूँ भाई। तुम सोचो अब यार क्या है ना, डेली का रूटीन तो ख़राब करेंगे नहीं, धीरे धीरे खुद का रूटीन सही तो करना पड़ेगा। तो अब उठने लगा हूँ मैं सुबह सुबह जल्दी, मतलब 5:30 बजे तक उठ ही जाता हूँ, फिर 6 बजे तक टहले निकल लेता हूँ और 7:30 बजे तक घूम के वापस आता हूँ घर। ठीक है, सही कर रहा हूँ ना? ठीक है, तो अब जा रहा हूँ घर फटाफट, उसके बाद देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा जा रहा है। मान्या इसमें देखो कहाँ जा रहे हो, बड़े गुस्से में लग रहे हो, क्यों गुस्सा हो गया? गुस्सा हो गया? अरे क्यों, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अच्छा बताओ जा कहाँ रही हो, गुस्सा देख रहे हो भाई साहब? क्योंकि इनको आज टैक्सी से जाना पड़ रहा है ना, इसलिए ये गुस्सा है। इतनी धूप में मैं जाऊँगा नहीं, इसलिए इतनी ज़्यादा गुस्सा दिखा रही हूँ। बताओ नहीं भाई साहब, अभी पूरी दोपहर लेटा रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी भयंकर। तो अच्छी बात है कि लाइट अच्छी आ रही है और अभी शाम का टाइम हो चुका है, 4:00 बज गया, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं हुई। तो अपना भाई नहा के रेडी हो चुका है, बाहर निकल के देखते हैं कि मंदिर का काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है काम को लेकर। मंदिर का धीरे धीरे काम आगे बढ़ता ही जा रहा, तो पहले मंदिर तक पहुँच के दिखाते हैं आपको कितना ज़्यादा काम हो चुका है। ठीक है, पता है जिंदगी का हर दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एक धीरे धीरे एक एक दिन करके मंदिर देखो कहाँ तक पहुँचा जा रहा है, धीरे धीरे बना जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग है हमारे मिस्त्री साहब का, ये जिन्होंने इस मंदिर का बिल्कुल नक्शा बदला है भाई। ये सब चीज़ें करने में बड़ा टाइम लगता है जो पीछे देख रहे हो बनी हुई है, इन सब में दो दिन तो लग ही जाते होंगे क्या? और मिस्त्री साहब हमारे कह रहे थे कि बिना हमारे वीडियो अधूरा है, तो हमने सोचा बिल्कुल इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वही है क्योंकि उनके बिना तो अधूरा ही है। क्योंकि बाबा आगे, बाबा बताओ कुछ, ये तलवार वलवार लेके जा रहे हो? अच्छा, बाबा कह रहे हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट खेत है पहले। तो बाकी कुछ बताएंगे बाबा? तो बन ही रहा, मंदिर में सबसे बड़ा सहयोग मिस्त्री साहब का है, यानी इनका सहयोग तो है, इनके द्वारा सब बन रहा है। और कुछ बताएंगे बाबा आप? और कुछ बताएंगे? अभी क्या, अभी बन नहीं, बन जब बन जाएगा तब बताएंगे। बिल्कुल, बाबा कह रहे जब ये सब बन के तैयार होगा तब हम बताएंगे। बाकी ये जब भंडारा चलेगा तब बराबर न्यूज चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये बताओ, देख के सब लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। ठीक है, तो भाई साहब अभी आने का फोन आ गया था कि इधर से तो पैदल चली गई थी टैक्सी से, अब कह रही भाई मामा लेने को आओ यहाँ पे, मैं आऊँगी नहीं टैक्सी से, तो अभी हमें मिस्त्री जाना पड़ा उसको लेने के लिए, क्योंकि दीदी के साथ में छोटी वाली बच्ची तो धूप भी परेशान भी हो जाएंगी। और अभी एक बाबा मिले थे यार, उनको लेकर यहाँ तक छोड़ा मैंने, तो बड़ा अच्छा लगा दिल को, किसी की सहायता करने का मौका मिलता है, सहायता करने का मतलब सहायता नहीं बोला, तो बड़ा अच्छा लगता दिल से। तो अभी हम जा रहे हैं दीदी को लेने के लिए भट्टा, या मिस्त्री जाना पड़ेगा अन्य तान्या को लेने के लिए, क्योंकि वो वहाँ इंतजार करें, तो फटाफट वहाँ पहुँच के उनको लेकर घर आते हैं। ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं। भाई साहब इस रोड पे इतना ज़्यादा जंगल हो गया है, ये देखिए पेड़ सारे रोड पे आगे निकल गए, बहुत दिक्कत वाले हैं यार। अच्छा अगर रात में इधर निकल रहे तो चोट वोट भी लग जाती है, तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा अगर ये किसी अच्छे आदमी तक पहुँचे तो इनके लिए कुछ किया जाए। ऐसा तो कटवाया तो जाएगा ही, कल परसों मैं जाऊँगा तो इसके लिए कंप्लेन भी करूँगा मैं, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाले आगे, तो और ज़्यादा अभी दिखाता हूँ। हाँ आगे घूम के तुम कहाँ कहाँ घूमा ये बता दो। ये देखो पीछे मिस्त्री की साइकिल रखती है, चलाओगे तुम साइकिल? चलाओगे यार, कहाँ गए थे बताओ, कहाँ घूमने गए थे? नहीं बताओ, गुस्सा हो अभी भी? तो बाइक से आई हो घर तक फिर भी गुस्सा क्यों? अच्छा गाना सुना दो, गाना सुना। अच्छा इसमें कुछ बताओ, बताओ कुछ बताओगे? चलो फिर लगवा दे तुम्हारा। अच्छा क्यों बहुत घूमे हो आज तुम? क्यों बहुत ज़्यादा घूमे हो? ये देखो कहाँ गई थी अन्य तुम घूमने? ये पैसे कहाँ से लाए? तुम्हारे नाक में दाने बत। ये देखे यार अन्य बेचारी तबीयत खराब है बेचारी, क्यों बीमार हो तुम अन्य? क्यों देख रहे हो भाई, दीदी गेट बंद कर रही है, क्यों अन्य कहाँ जाना चाह रही हो? मैं कहा क्या हुआ? देखो तुम्हारे पास आ रही, आ रही क्या आ रही? नहीं जाओगी तुम गिर के मर जाओगी अन्य, तुम गिर के मर जाओगी इस झूले में से, हो निकलो जल्दी। अन्या तो फाइनली आज का दिन भी हो गया कंप्लीट भाई, कैसे ना कैसे करके कट गया भाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी का परेशान मारा हुआ इंसान हूँ भाई मैं, क्या ही बताऊँ। और आप लोग भी गर्मी से बचें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें भाई, जहाँ भी मच्छर दिखे ना दौड़ा के मारें उसे, क्योंकि उसको छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान है तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए।
और भाई फटाफट इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा क्योंकि भाई तुम्हारा बहुत परेशान है गर्मी से भी और अपने हालात से भी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई उम्मीद है आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अपने भाई का सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू।